டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க செல்லும் இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள் குழுவுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். நமஸ்தே சார். கேம் ஜோ એલા હવે ગુજરાતી બોલે છે કે નહીં? હા સર, થોડુંક આવડે છે મને. એલા મુજે બતાયા ગયા કે આપ પહેલે એથ્લેટ્સ કે મેં જાના ચાહતી થી, ફિર એસા ક્યા ટ્રિગર કર ગયા કે આપને શૂટિંગ કો અપના લિયા? सर मैंने एक्चुअली काफी सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए थे शूटिंग के पहले. मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद था. एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो वगैरह ट्राई किया था. लेकिन जब मैंने शूटिंग शुरू किया तब मुझे एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट मिला था इस गेम में, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा स्टेडी रहना होता है, बहुत ज्यादा कामनेस चाहिए होता है. तो सर बस वो जो कामनेस चाहिए थी वो थी नहीं मेरे पास. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, इससे ही बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे इस गेम से. तो उसी उसी से सर बहुत ज्यादा लगाव हो गया गेम से. अभी मैं दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें मैं आपके माताजी पिताजी को सुन रहा था और वो संस्कार धाम में आपने इसका प्रारंभ किया था, इसका पूरा वर्णन कर रही थी और वहां का बड़ा गर्व के वहीं जाकर के वो आपको याद कर रही थी। अच्छा, स्कूल से ओलंपिक तक बहुत सारे युवा आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं मणिनगर का MLA था और आप मणिनगर में रहते हैं, और जब मैंने खोखरा में मेरे असेंबली सेगमेंट में सबसे पहले स्पोर्ट एकेडमी जुड़ी की तो तुम लोग आप लोग खेलने आते थे, तब तो जो बच्ची थी, और आज मुझे तुम्हें देखने के बाद बड़ा गर्व होता है। तो बताइए कुछ अपनी बात। सर मेरी शूटिंग की प्रोफेशनल जर्नी संस्कार धाम से ही शुरू हुई थी. मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मॉम डैड का ही कॉल था कि ठीक है आप स्पोर्ट्स ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो कर लीजिए करके उन्होंने बोला था. तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से जो MOU साइन हुआ था सर, तो संस्कार धाम ने उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल स्टार्ट किया था. तो पढ़ाई भी उधर ही होती थी, पूरा दिन हमारा ट्रेनिंग भी उधर ही होता था सर. तो सर वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि वहीं से मैंने स्टार्ट किया. और अब जब मैं ओलंपिक्स, मेरी फर्स्ट ओलंपिक्स के लिए जा रही हूँ सर, तो बहुत प्राउड फील होता है कि इतने लोगों की मदद, इतने लोगों ने मेरे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और हमेशा गाइड किया है सर. तो काफी अच्छा लगता है सर. एला, अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, शूटिंग कैरियर और एकेडमिक्स को आप कैसे बैलेंस करती हैं? सर मैं तो इसके लिए मेरी यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी जो है, और हमारे कॉलेज भवन जाट कॉलेज को थैंक्स करना चाहूंगी. क्योंकि सर एक भी टाइम ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने मुझसे बोल दिया हो कि नहीं आपको कंपलसरी आके ये चीज करनी पड़ेगी. उन्होंने मुझे इतनी छूट दी थी, मेरे लिए एग्जाम्स भी वो लोग स्पेशल अरेंज करवा देते थे, मेरे लिए मेरे सेमिनार्स अलग से रखवा देते थे सर. तो काफी सपोर्ट किया है सर, मेरे पूरी जर्नी में उन लोग ने काफी सपोर्ट किया है और स्कूल ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया है सर. एला, आपकी जनरेशन एम्बिशियस भी है और मैच्योर भी है। आपने इतनी कम उम्र में विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त की है, ऐसे में देश को उम्मीद है कि खेल के सबसे बड़े मंच पर भी आप इसी यात्रा को जारी रखेंगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माताजी पिताजी को भी मेरा प्रणाम है। बड़ा कम